हे एवरीवन, मेरा नाम है आरती। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी कर्ड वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। एकदम सिंपल रेसिपी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले हम दही का एक मिक्सचर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच दही लिया है। आप ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा थिक और फ्रेश हो, जिससे कि सैंडविच हमारा ज़्यादा खट्टा ना लगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा, कुछ धनिया पत्ती और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे बहुत सारी वेजिटेबल्स। मैंने इसमें खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसा पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं सैंडविच को असेंबल करने के प्रोसेस में। मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। अब हमने जो दही का पेस्ट बनाया हुआ था ना, उस पेस्ट को हम इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है और हमें बहुत अच्छे से इस पेस्ट को ब्रेड के ऊपर लगाना है। ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पेस्ट को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब हम दूसरी स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे और टोस्ट कर लेंगे। तो सैंडविच को टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम तवे पर थोड़ा सा बटर डालकर सैंडविच को दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे। इस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, अदरवाइज हमारा सैंडविच जल जाएगा और अंदर से भी कच्चा लगेगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से कुक होने देंगे, जिससे कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर, राई और करी पत्ता डाल देंगे, जैसे तड़का बनाते हैं ना वैसा ही, और इसको ब्रेड के ऊपर लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। आपको ये प्रोसेस स्टार्टिंग में ही करना है, जब आप ब्रेड को टोस्ट कर रहे होते हैं तब। मैं इसे करना भूल गई थी, इस वजह से मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही करना है। ये देखिए, मैंने इसको ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब मैं ब्रेड को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक 2 मिनट तक और सेक लूँगी। मैं सैंडविच को बनाने के लिए तवे का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो टोस्ट मेकर या फिर सैंडविच मेकर में भी सैंडविच को बना सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है और तवे पर तो ये और भी जल्दी बन जाता है। ये देखिए, सैंडविच ही हमारा सिक चुका है। अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। सैंडविच को प्लेट में रखकर नाइफ को से बीच में रखेंगे और इसको 2 स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, लग रहा है ना कितना मज़ेदार। इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने चीज़ डाला है या नहीं। बिल्कुल चीज़ जैसा फ्लेवर आता है और बहुत क्रीमी लगता है। आप मेरे कहने से इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।